नामे विघ्नेश्वर पादपं कजं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मंत्रिमूलं गुरुशब्दं ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुचरणं मोक्षमूलं गुरुकृपा। प्रथम वंदना सुमृति जना सो ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती माता तोह बीनु विद्या दीजे मां कंठी कोकिला हरि बसे उठ जाचूं तो गुरु मूर्ति मुख चंद्रिमा हर सेवक नैन चको अष्ट पहर निरखते रहो गुरु चरण की। गुरु जी को प्रणाम करो हर पल पल में कहीं बार पागा से हंसा कियो तन लागी। सदगुरु महाराज की गुरु सिंघा जी महाराज की आहो मेरे सिर पर सिंगा जबरा मेरे सिर पर सिंगा जबरा आहो मेरे सिर पर सिंगा जबरा करते हूँ मुझरा मेरे तीर पर से
नरसिंह जवेरा आहो गुरेरा को चरण के हजेरा मेरे सिर पर सिंह जवेरा समर्थ सतगुरुदेव गुरु सिंघा जी महाराज की कृपा और उनका ही आशीर्वाद द्वारा आज हम इस आयोजन का सफल तीसरा दिवस में प्रवेश कल तक की वाणी द्वारा सिंघाजी बाबा की कुछ बाल लीला नगर खजरी छोड़ना की कथा और गुरु महाराज मनरंगिर बाबा की वाणी श्रवण करना का बाद सिंघाजी बाबा के ब्रह्म वैराग्य हों इसी क्रम में आज भी आगे बढ़ते हुए गुरु महाराज की कुछ लीला न पर चर्चा जैसे ही सिंघाजी बाबा ने गुरु महाराज मनरंगिर बाबा का मुख से एक शब्द सुने एक वाणी सुने कि समझी लेवरे मना भाई अंतन होय कोई आंकला झट सिंघाजी बाबा दौड़ता हुआ गुरु महाराज के शरण में गया गुरु महाराज से हाथ जोड़े ने प्रार्थना करी कि गुरु महाराज मैं कभी अपने शरण में स्वीकार कर लूं मनरंगिर बाबा सिंघाजी बाबा को स्वरूप देखी न उनकी वेशभूषा देखी न कहने लगे कि भैया तुम नौकरी चाकरी करना वाला लोग किसी राजा का बंधन में रहना वाला लोग और ये ज्ञान ये उपदेश आपको कैसे लगोगे तुम हो चाकर नौकरी के पैसा और तुमको कैसे लागे उपदेश सिंघाजी बाबा हाथ जोड़ी ने प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि गुरु महाराज आपके शरण में आना में आपसे उपदेश लेना में अगर हमारी या नौकरी बाधक बनती हो तो हूं एक भी छोड़ना में समय नहीं लगाना को आप केवल आदेश करो उस समय मनरंगिर बाबा ने सिंघाजी बाबा से उनको परिचय पूछो बाबा ने अपना परिचय दिया तब मनरंगिर बाबा एक परीक्षा का तौर पर कहने लगे कि भैया अगर तुको शरण में उपदेश लेना है तो पहला इस नौकरी को त्याग कर मनरंगिर बाबा ने विचार करो कि अगर पक्को होगा तो आई जाएगा नौकरी छोड़ी ना या फिर ये एक काम पर अपन अपनी धाम लेकिन सिंघाजी बाबा के तो वो शब्द की चोट लगी चुकी थी उसी समय सिंघाजी बाबा अपनी स्याणी घोड़ी के लिए ना भामगढ़ का लिए रवाना हो गए कि सिंघाजी भामगढ़ आए सिंघाजी भामगढ़ आए जिन तजी घोड़ा घर लाए सिंघाजी भामगढ़ आए सिंघाजी बाबा अपनी स्याणी घोड़ी से कहने लगे कि देख स्याणी थारा ऊपर आज तक मैंने 15 साल सवारी करी लेकिन आज से थारो मारो संयोग खत्म आज का बाद कभी थारा ऊपर सवारी नहीं करना और सिंघाजी बाबा भामगढ़ पहुंचा राजा लक्ष्मी सिंह का राज दरबार में हाथ जोड़ी प्रणाम करते हुए
अपना अस्त्र शस्त्र उतारे उनके लिए कि लखा राव से प्रणाम कीनो, जिनने सबे साज धर दिए सिंगाजी भामगढ़ आए। अपना अस्त्र शस्त्र उतारिन रख दिया और राजा लक्ष्मी सिंह से कहने लगे कि महाराज आज से हम आपकी नौकरी को त्याग कर रहे हैं। तो सिंगाजी बाबा का मुख से ऐसा शब्द सुनी ना, राजा लक्ष्मी सिंह थोड़ा चिंतित हुए, विचार करने लगे कि आज सिंगाजी ऐसा शब्द का उपयोग क्यों करेगा। सिंगाजी बाबा से पूछने लगे कि भैया हमारा से कोई भूल हुई या हमारा परिवार से कोई गलती हुई या इस राज्य में आपसे किसी ने कोई भलो बुरो कहा, आप नौकरी क्यों छोड़ रहे, नौकरी छोड़ा क्या है। तब सिंगाजी बाबा बड़ा ही विनम्र भाव से राजा लक्ष्मी सिंह से कहने लगे कि महाराज ना तो आपसे कोई भूल हुई ना परिवार से कोई गलती हुई और ना इस राज में हमसे किसी ने कोई भलो बुरो कहा, तो भैया फिर नौकरी क्यों छोड़ रहे। बोले महाराज आज आपकी नौकरी को त्याग करी नहीं, हम हमारा गुरु महाराज की शरण में चाकरी करांगे, हम गुरुघर जाकर रहूंगा, हम गुरुघर जाकर रहूंगा और ये मति मैल कर दूंगा, हम गुरुघर जाकर रहूंगा। आज मैंने एक संकल्प लिया कि अब हम गुरु महाराज की शरण की ही चाकरी करूंगा, उनकी ही शरण में रहूंगा और आज तक कोई हमारा अंदर विकार रूपी मैल भी इकट्ठो हुए होगा तो धोना को अगर कोई साधन छे तो केवल एक गुरु महाराज की चरण रज गंगा। ये मती मैल कर दूंगा, हम गुरु घर जाकर रहूंगा, क्योंकि जब से मैंने गुरु महाराज की वाणी सुनी तब से ये संसार मत अब एक जहर की बूटी का समान लगी रही और अब हम ये नहीं चाहते कि जानते बूझते ही इस जहर को स्वीकार करो। यो संसार एक जहर की बूटी, इसको कभी नहीं पीऊंगा और काम क्रोध विषय वासना मैं इनसे दूर दूर रहूंगा, हम गुरु घर जाकर रहूंगा। तो राजा लक्ष्मी सिंह ने जब सिंगाजी बाबा का ऐसा वैराग्यपूर्ण शब्द सुना, वाणी सुनी, तो सिंगाजी बाबा से कहने लगे कि भैया सिंगा तू अगर इस प्रकार को काम करेगा तो फिर तो तू पूरा साधु बनी जाएगा और अगर तू साधु बनी जाएगा तो फिर थारा परिवार को काय होगा, इनकी देखरेख कौन करेगा, इनको पालन पोषण कौन करेगा, क्योंकि अभी थारा परिवार की जवाबदारी थारा ऊपर छे। सिंगाजी बाबा राजा लक्ष्मी सिंह से कहने लगे कि महाराज हमारा परिवार की चिंता करने की आवश्यकता न तो आप कहें और न हम कहें, क्योंकि हम नहीं था जब भी ये परिवार था, हम थे तब भी ये परिवार थे और नहीं रहूंगा तब भी ये परिवार रहेगा और ये तो इनको परिवार किनका साथ गए तो हमारो परिवार हमारे साथ चली जाएगा। अंततः जीवन की तो ये सच्चाई है कि ना हमारा साथ कोई गयो और ना हमारा साथ कोई आयो, ये भाई बंद कुटुंब कबीलो इनका पास नहीं रहूंगा क्योंकि ये सब है मतलब के गर्जी, परिवार हमारे साथ कब तक रहेगा, परिवार हमारा से प्रेम कब तक करेगा, जब तक हमारी भुजा नम बल छे, जब तक हम खाना कमाना वाला छे, जब तक ये सांस प्रश्वास चली रही तब तक ही ये सारो झमेलो आपका साथ छे। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा,
लेकिन ये हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा, कोई साथ नहीं, कहीं न कहीं इनको जो संबंध छे एक स्वार्थ की नींव पर टिकेल छे। जब तक आप खाना कमाना वाला छे, जब तक आप चलता फिरता छे, तब तक ही आप सबसे आपसे सब प्रेम करेंगे। नहीं तो जरा विचार करो कि आप जरा चार दिन का खाट का मेहमान बनने देखो, फिर परिवार को बुलाओ आले तो वो जाए ओले। आई को बुढ़ापो तो न पकड़ी लियो खाट, लाई दे रे पानी कोई देखी रहे वाट, फिर पानी मांगी मांगी मरी जावांगा और जैसा आया नोसा। इनकी पहचान तब ही होगी, तब यहाँ सिंगाजी बाबा को अपनो अनुभव व्यक्त करनो पड़े और कहनो पड़े कि यहाँ कोई नहीं तेरो साथी रे मनवा, यहाँ कोई नहीं तेरो साथी, फिर क्यों कर पछाती रे मनवा, यहाँ कोई नहीं तेरो साथी। खाई ल पी ल दई लई ल यही जाय संग साथी, और दीन चार हरि का स्मरण करी ल वही की बांधी ल गाठी रे मनवा, यहाँ कोई नहीं तेरो साथी। जो तूने खायो पियो थारा अंग लगी जाएगा, कुछ दान धर्म कर लियो वो थारा संग चली जाएगा, और कमाई कमे ने कितनों भी संग्रह कर ले ओखा अंदर तो एक दिन जंग ही लगेगा। खाया पिया अंग लगे, दिया लिया संग चले, और बचा कुचा सब जंग लगे। तो खाई ल पी ल दई ल लई ल यही जाय संग साथी, और दीन चार हरि का स्मरण करी ल वही की बांधी ल गाठी, यहाँ कोई नहीं तेरो साथी। ये भाई बंद कुटुम कबीलो संग बठा नहीं नाती, जिनका ऊपर तुक इतना अभिमान छे, जिनका ऊपर तुक इतना गुमान छे कि मारो इतना बड़ो परिवार छे, मारो इतना बड़ो समाज छे, महारा इतना भाई छे, महारा इतना लड़का छे, लेकिन अंत कोई किसी का नहीं। भाई बंद कुटुंब कबीलो संग बठा नहीं नाती, और अंत त्रिया काम नहीं आ। एक पुत्र भी आपकी सेवा कर रहे, आपकी आज्ञा में जी रहे, आपकी आज्ञा को पालन कर रहे, तो खानदर उस पुत्र की कोई बहादुरी नहीं है, वो भी कहीं न कहीं आपको ही पुण्य आया जो एक पुत्र बनी ना है, क्योंकि यहां प्रमाण मिले सुशीलो मातृ पुण्य न पुत्र पुण्य न चातुर औदार्य वंश पुण्य न आत्म पुण्य न भाग्यवान। एक संतान भी माता का पुण्य से सुशील होगा, पिता का पुण्य से चतुर होगा, वंश का पुण्य से उदार होगा, और खुद का पुण्य से भाग्यवान होगा। सुशीलो मातृ पुण्य न पितृ पुण्य न चातुर औदार्य वंश पुण्य न आत्म पुण्य न भाग्यवान। तो आप उन युग्न का प्रमाण देखो, क्योंकि प्रमाण जी बाढ़े पुत्र पिता के धर्म, पिता का धर्म से, पिता का पुण्य से ही कहीं न कहीं पुत्र को विकास होगा, पुत्र का अंदर संस्कार में कोई जन्म होगा। अब विचार करो कि सतयुग का अंदर एक पुत्र ऐसा हुए हो कि जिन अपना नास्तिक से नास्तिक बाप को भी मुक्ति दे दी, वो उस युग की विशेषता थी। सतयुग का अंदर एक पुत्र ने अपना पिता को मुक्ति दी, त्रेता युग का अंदर एक पुत्र ने अपना पिता को भक्ति दी, द्वापर का अंदर एक पुत्र ने अपना पिता को शक्ति दी, और कलयुग का अंदर दो रोटी दे दे तो कहो कि राम को छूटो लगे, नहीं तो फिर भी कोई गारंटी नहीं। यहां सब जितना भी दिखी रहा है सब केवल सुख का साथी थे, सुख में सब तेरे साथ रहेंगे, दुख में मुख मोड़ेंगे, ये दुनिया वाले तेरा बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे, और देते हैं भगवान को धोखा तो इंसान तुझे क्या छोड़ेंगे। जब हमारी स्वार्थ पूर्ति एक भगवान से नहीं होती, एक देवता से नहीं होती, तो हम भगवान चेंज कर देंगे।
राम से मन्नत पूरी नहीं हुई तो कृष्ण का पास चली जावा, कृष्ण से मन्नत पूरी नहीं हुई हनुमान जी का पास चली जावा, हनुमान जी से पूरी नहीं हुई शंकर भगवान का पास चली जावा, शंकर भगवान का से पूरी नहीं हुई बिलट बाबा का पास चली जावा। हमारा ये तो हमारा देवता भी हमारा स्वार्थ का ऊपर डिपेंड है कि कौन हमारा स्वार्थ पूर्ति कर। देते हैं भगवान को धोखा तो इंसान तुझे क्या छोड़ेंगे। भाई बंद कुटुंब कबीलों संग बठा नहीं नाती और अंत त्रिया काम नहीं आव, फिर देखी न फट थरी छाती रे मनवा यहां कोई नहीं तेरो साथ। यम राज न दूत पठायो आई न बठो थरी छाती, जब यम का दूत आवग थरी छाती पर बठी न जब प्राण निकाल, तब हम ये नहीं कह सकता कि भैया आज मत ले चल, आज मैं कहीं शादी में जान, आज मैं कहीं सगाई में जान, कि आज मैं कहीं पंक्ति में जान, कि आज मैं कहीं सभा में जान, वो ये नहीं देखते कि तुम कहाँ जान। जिस दिन ओखो समय आओगा वो लेना काली जिस दिन आओगा उस दिन वो ले न जाएगा, क्योंकि कह लेते मौत ना देखे जाति पाती, मौत ना देखे दिन और राति, मौत ना देखे बूढ़ा बच्चा, मौत ना देखे झूठा सच्चा, मौत ना देखे राजा रानी, मौत ना देखे मूर्ख ज्ञानी, वो आओगे और ले जाओगे। लेकिन उस दिन आपकी रक्षा करना वालों आपको कोई बचाना वालों छे, आपकी सहायता करना वालों अगर कोई छे तो केवल आपके नाम की कमाई, आपको भजन। तब यहाँ सिंगाजी बाबा को कहना पड़े कि मनवा राम सुमर ले रे नहीं तो रोकेगा यमदानी, मनवा राम सुमर ले रे। यहाँ नाम की कमाई कर, दाम की कमाई तो केवल पेट तक साथ देगा, लेकिन एक नाम की कमाई सत्य और शाश्वत जो छे वो आपको ठेट तक साथ देगा और हमको वहां तक की कमाई होगी। दाम की कमाई से सारी सुख सुविधा न को आप प्राप्त कर सको, सारा भोग ऐश्वर्य न का लिए आपके दाम की कमाई की हो सकता छे, क्योंकि कहल छे धन से हुस्नों को भी बिकते देखा है, धन से मुर्दों को भी ढकते देखा है, धन से रिश्तों को भी टूटते देखा है, धन से मुजरिमों को भी छूटते देखा है, धन से बीमारी को भी कटते देखा है, धन से भिखारी को भी टलते देखा है, धन से आसमान पर भी उड़ते देखा है, लेकिन धन से ना तो कभी मौत को टलते देखा है ना प्रभु को मिलते देखा है। वहां तो केवल एक और एक नाम ही सहारा है। अब क्या कि हमको किस कमाई से जुड़ने, किस कमाई को करने, मनवा राम सुमर ले रहे नहीं तो रोकेगा यह मदानी। आज मनंगिर स्वयं मनंगिर बाबा को एक शब्द सुने ना सिंगाजी बाबा का अंदर वो चेतना जागी, वो जागृति आई और खुला मन से राजा लक्ष्मी सिंह से बात कर रहा है कि महाराज ये संसार की तो इतनी बड़ी बड़ी पोल छे और फिर एक अंदर आप मगर उलझाना क्यों प्रयास कर रहे हैं। भाई बंद कुटुम कबीलो इनका पास नहीं रहूंगा क्योंकि ये सब है मतलब के गर्जी, मैं तो इनसे अलग रहूंगा और गुरु घर जाकर रहूंगा। अभी तक मैंने अपनो इतनो जीवन इनका बीच ही तो गमायो, झूठ प्रपंच में उम्र गमाई प्रभु से जय काई कहूंगा और यह उल्टी फांसी आप मत दो, नहीं तो फिर मग उसी चक्र में जानू पड़ेगा, पुनरपी जन्म पुनरपी मरणम पुनरपी जन्नी जठे सेनम, और जन्म और मृत्यु और जन्म और मृत्यु, इस चक्र में तो कब से घूम तो चली है। अब मग इस चक्र में पुनः मत डाल, अब तुम्हारा एक ही लक्ष्य है कि सदगुरु की शरण में जाइन उनको ध्यान लगाऊंगा और चरण धोई न चरणामृत लेऊंगा, हम ज्ञान घोले घोले पीऊंगा, हम गुरु घर जाकर रहूंगा। जब राजा लक्ष्मी सिंह ने सिंघाजी बाबा के ऐसे निष्ठापूर्ण वाणी सुनी, बैरागपूर्ण वाणी सुनी, जीवन का एक लक्ष्य का ऊपर जब उनकी निष्ठा देखी, तो राजा लक्ष्मी सिंह मन का अंदर विचार करे कि अब सिंघाजी नौकरी छोड़े नहीं रहना, और सिंघाजी ने अगर नौकरी छोड़ दी तो
तो अपना राज्य की दशा तो फिर पहले जैसे हो जाएगा जैसे एक आना से पहले था। तो अब ऐसा कोई माध्यम बनाया जाए, ऐसा कोई निमित्त बनाया जाए ताकि सिंगाजी नौकरी नहीं छोड़ो, और सिंगाजी नौकरी नहीं छोड़ो तो अपनी जैसी की तैसी व्यवस्था बनी रहे। तब एक माध्यम का बनाना, एक निमित्त का बनाना। तब राजा लखनी सिंह सिंगाजी बाबा से कहने लगे कि भैया सिंगा तू नौकरी छोड़ तो कोई बुरो नहीं, गुरु कर लो कोई बुरो नहीं, लेकिन तू जाते जाते मारो एक काम और कर दे तो थारी बड़ी दया हो। अब सिंगाजी बाबा ने विचार करो कि चलो 15 साल इनका नौकरी करी, 15 साल इनको नमक खायो, अब जाते जाते एक काम कोई बड़ो भारी नहीं है, महाराज आप आदेश करो हम करना के लिए तैयार छे। तब सिंगाजी बाबा से राजा लखमी सिंह कहने लगे कि भैया एक काम कर, आज एक बार तू मेटावल चली जा, क्योंकि हमारी बहन जीजाबाई को ब्याह आज 12 साल हो गया और 12 साल से अभी वह वापस भामगढ़ का अंदर नहीं है, वह मेटावल में इंतजार करते हो, विचार करते होगी कि भामगढ़ में महारा कोई बचाए कि नहीं। आज 12 साल होगा लेकिन कोई महारा द्वार तक नहीं आया। गांव मेटावल जाओ सुरा कहिजो संदेशो हमारो, और बैण गई देख एक युग बीत्यो, वह कैसे कि कोई नहीं हमारो रे सुरा मानो वचन हमारो। राजा लखनी सिंह की बात सुनी ने सिंगाजी बाबा ने जाना कि हाँ कर दो, बोले ठीक महाराज हम जाना के लिए तैयार छे, ये कार्य करना का बाद फिर हम एक क्षण भी यहां नहीं ठहरना का, हमारी जो हमारो एक मन को संकल्प छे कि गुरु शरण में जानो वो खासे हम मुकरना का नहीं। बोले हाँ भैया ठीक छे, लेकिन एक बार तू मेटावल चली जा, और आज तू मेटावल जाना के लिए तैयार छे तो एक बार अपना शरीर को ऊपर और 5 हथियार धारण कर ले, और आज अगर तूने थारे सियाणी घोड़ी को त्याग कर दिया तो आज हमारो अश्व लेने जाए खजिका ऊपर हम सवारी कराए, वो घोड़ो लेने जाओ वो अश्व लेने जाओ, और चिंता की कोई बात नहीं, डरना की कोई बात नहीं, थारा साथ 5-25 सिपाही भी भेजांगा, बिल्कुल तलवारधारी म्यानधारी 5 हथियार सुरातन धारो और ही अश्व हमारो, और 5-25 म्याना भी देवा पर मत करो सांझ सवेरो रे सुरा मानो वचन हमारो। तो उसी समय राजा लखमी सिंह की बात सुनी ने सिंगाजी बाबा हाथ जोड़ी ने कहने लगे कि महाराज पहला तो आप मखे ये बताओ कि आप मखे बैन के लेना भेजी रहा है या कोई युद्ध संग्राम करने को भेजी रहा है, कोई लड़े झगड़ो करने को भेजी रहा है। अरे जब बैन के ही लेना जानू तो तुम्हारा ये अस्त्र शस्त्र न की, ये तीर तलवार न की, ये सुरा सिपाही ने की आवश्यकता गाई से, वहां अकेलो चली जाऊंगा और बैन के लेना ही जाऊंगा। अब राजा लखमी सिंह मन में विचार करे कि मारी तो ये चलन नहीं देते, मन जो सोचे वो तो खस भी आगे निकलेगा। तो उसी समय राजा लखमी सिंह एक पत्रिका लिखा, एक संदेश लिखा, और संदेश के अंदर हालचाल लिखा कि भामगढ़ से राणा लखमी सिंह की ओर से जीजा साहब किरत सिंह को जय ओंकार जी की आगा हल समाचार ये कि हमारा राज्य को एक मेन सिपाही सिंगाजी कोई कारणवश नौकरी छोड़ रही, और हमारा राज्य को ये मुख्य सिपाही आए और एक हम आपका पास भेजी रहे तो आप जरा एक महीनों 15 दिन जरा बिल में रख दो ताकि एक मन के अंदर जो गुरु करना की और नौकरी छोड़ना की एक चिटांग बंदे तो यो कभी भूली जाए, नहीं कर और गुरु नहीं कर तो नौकरी नहीं छोड़ और नौकरी नहीं छोड़ तो हमारा राज्य की व्यवस्था जैसे कि तैसे बनी रहे। ऐसे एक पत्रिका लिखी कि आन दई राणा लिखी पत्रिका कि नहीं जोहार घनेरो और सुरो आवाज एक लीजो बिलमाई, एक मास पखवाड़ियो रे सुरा मानो वचन हमारो। अभी पत्रिका हाथ में ली और सिंगाजी बाबा का हाथ में ली। अब जैसे सिंगाजी बाबा का हाथ में पत्रिका दी तो कहने लगे कि भैया ये पत्रिका आप हमारा जीजा साहब को दे दीजिए, लेकिन एक बात को ध्यान रख जो, एक आप खोल जो मत, एक पढ़ जो मत, एक देख जो मत, क्योंकि मन आन दियल छे, कसम दियल छे, दुहाई दियल छे, आन दई राणा लिखी पत्रिका। तो समय सिंगाजी बाबा मन ही मन विचार करत कि अरे राजा ये थारी पत्रिका कहो नहीं खोलना को, एक नहीं देखना को, एक नहीं पढ़ना को, लेकिन देखा बात भी मख मालूम छे कि मन काय लिखेल छे, और आज तू अपना मन का घोड़ा कितना भी दौड़े ला लेकिन आज वही होगा जो हमारा गुरु महाराज को मंजूर छे।
क्योंकि कहल थे मन चिती ना होवे प्रभु चिती तत्काल, और मांगा था आकाश बलि में भेज दिया पाता। जब इतना बड़ा राजा बलि की नहीं चली तो यहाँ भी कोई थाली चलना वाले नहीं है, लेकिन तू शायद कोशिश कर, शायद सफलता मिली जाए, प्रयास कर। अब उसी समय सिंगाजी बाबा ने वो संदेश हाथ में ली, पत्रिका हाथ में ली, और घोड़ा का ऊपर जैसे झिण लगाम कसने लगा तो घोड़ा ने भी छींक मार दी। छीका तो घोड़ी ला झीण पलाणी। अब जैसे घोड़ा ने छींक मारी तो सिंगाजी बाबा समझेगा कि राजा भले ही अपन को रोकना को प्रयास कर रहे, अपन को बिलवाना काली मिटावल भेजी रहे, लेकिन अपना जाना का बाद जरूर यहां कोई न कोई अनचित घटना घटना वाले। ये पूर्व अभ्यास है, तो अभास है सिंगाजी बाबा को, संकेत मिली चुके दो बाबा को कि आज भले ही अपने को रोकना को प्रयास कर रहे हो, अपन को मिटावल भेज रहे, लेकिन अपना जाना का बाद जरूर कोई न कोई यहां अनचित घटना घटना वाले। उसी समय सिंगाजी बाबा घोड़ा का ऊपर झीण लगाम कसी और भामगढ़ का लिए रवाना हुआ। छिकत घोड़ीला झीण पलाणी, गुरु जी को नाम उचार्य और सवा पहर का अंदर सिंगाजी बाबा भामगढ़ से मेटाल पहुंचेगा। जरा भी व्यर्थ समय नहीं गमाया, अवसर नहीं विसारे रे सूरा, मानो वचन हमारो। उसी समय राजा लक्ष्मी सिंह का जीजा साथ कृष्ण सिंह का राज दरबार में मेटाल में सिंगाजी बाबा पहुंचा तो राजा कृष्ण सिंह से हाथ जोड़े न प्रणाम करते हुए वो पत्रिका उनका हाथ में दी। राजा कृष्ण सिंह ने भी जब पत्रिका को पढ़ी कि लिखी पत्रिका राजा वाचन लागियो उपजे मोह को भारो, ऐसी पत्रिका के अंदर हाल समाचार पढ़ा तो उस समय राजा कृष्ण सिंह ने सिंगाजी बाबा के एक नौकर नहीं माने, एक सिपाही नहीं माने, अपना बराबर को वीर माने और अपना बराबर का आसन का ऊपर बैठा दिया और अपना नौकर चाकर ने से भी कही कि भैया ये घोड़ा कभी गुलसार में ले जाओ, एक भी चंदी चारों डालो, एक भी सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आसन दई कुंवर बैठायो अश्वक चंदी चारों रे सूरा, मानो वचन हमारो। उस समय सिंगाजी बाबा की सेवा स्वयं राजा कृष्ण सिंह कर रहा है और उनका घोड़ा की सेवा स्वयं उनका नौकर चाकर कर ही रहा है। और उसी समय राजमहल का अंदर बहन जीजा भाई किस बात की खबर लगी कि आज हमारा भाई राणा लक्ष्मी सिंह ने मख लेना का लिए कोई अपना सिपाही को भेजे। उस समय बहन जीजा भाई सिंगाजी बाबा का पास आया और सिंगाजी बाबा से हाथ जोड़ी ने कहने लगी कि भैया आज तो पहले मैं तुम्हारा पीर का हालचाल बताऊ कि आज हमारा भाई राणा लक्ष्मी सिंह ने महारा विन भांगड़ का अंदर 12 साल कसा बिताया। कहो ना पियर का हाल सिंगाजी भाई, कहो ना पियर का हाल, अरे कसा बिताया 12 साल सिंगाजी भाई, कहो ना पियर का हाल। अरे आज भामगढ़ का अंदर हमारा माता पिता नहीं है और अगर मारो भाई राणा लक्ष्मी सिंह भी नहीं हो तो भामगढ़ का दरवाजा हमारा लिए बंद हो जाता तो मको उतना दुख नहीं है जितनो कि आज एक भाई होता ना 12 साल व्यतीत होगा, लेकिन आज तक मारो भाई हमारा द्वार तक नहीं आया। माई बिना मारो माई के सुनो भाई बिना नी खुला द्वार, और मामा बिना मारो मायरो सुनो, पिता बिना सुनी साल सिंगाजी भाई, कहो ना पियर का हाल। आज भैया मारा भाई को 12 साल व्यतीत है लेकिन मारा द्वार तक नहीं आया। अरे आज भामगढ़ का राज दरबार में मारा भाई की जगह कोई मारी भोजे की चलती है जिन हमारा भाई का अभी तक बिल मैंने रखे हमारा द्वार तक नहीं होने दिया। भैया हमारा सुरारे सिपाही भामगढ़ का रखवाला की मारी भोजे की चलती हुई कई उन लियो बिलमाई सिंगाजी भाई, कहो ना पेर का हाल। आज ऐसी कौन सी बात है, आज 12 साल से कई हमारा भाई को हमारी याद नहीं आई, कई आज भामगढ़ का अंदर हमारा लिए सब हमारा पेर का झाड़ सब सुख गया कि मारा भाई का खजीना में कोई काल पड़ेगा, कि मारा भाई का ऊपर ऐसी कोई गरीबी आएगी, कि मारा भाई का ऊपर ऐसी कोई गजब की घात होगी, ऐसी कौन सी बात हुई कि आज जिन हमारा बिना 12 साल कसा बीत गया, पियर का झाड़ सब सुख गया कई खजीना में पड़ेगो काल, कि मारा भाई को मिटे कई हुई रे गजब की घात सिंगाजी भाई, कहो ना पियर का है। ऐसा मैंने कौन सा अपराध कर लिया
ऐसे मैंने कौन सी भूल कर ली, कौन सी गलती कर ली कि आज मारो परिवार मारा से उठे हो। आज कृष्णा भाई सेम राजा लक्ष्मी बेन जीजा भाई अपनी आंख से अश्रु धारा में बहाती जाए और अपना मन का उद्गार व्यक्त करती जाए और कहती जाए कि भैया आज 12 साल हुआ। अरे एक भाई अपनी बहन के लेने 12 साल 12 महीना याद नहीं कर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 12 महीना में एक दिन ऐसो भी आवे, एक त्योहार ऐसो भी आवे कि भाई कितनों भी कठोर से कठोर क्यों नहीं हो लेकिन फिर भी वो अपनी बहन को याद करे और वो त्योहार एक रक्षाबंधन। लेकिन आज 12 साल का 12 श्रावण चलेगा, 12 राखी ज्योति का त्योहार चलेगा, लेकिन आज तक मारो भाई मारा द्वार तक नहीं आया। आज हम 12 साल से रास्ता देखी रे कि अब मारो भाई आओ, अब मारो भाई आओ, लेकिन आज 12 साल होगा मारो भाई मारा द्वार तक नहीं आयो। स्वयं बहन जीजा भाई सिंगाजी बाबा का समक्ष बटीन अपना मन का उद्गार व्यक्त करे, अपना मन का भाव व्यक्त करे। हो बीती गई रे श्रावण की रात, हो बीती गई रे श्रावण की रात, बीरा की बाट देखी देखी बीती गई रे श्रावण की रात, बीरा की बाट देखी देखी हो बीती गई रे श्रावण की रात, बीरा की बाट देखी देखी हो बीती गई रे श्रावण की रात, बीरा की बाट देखी देखी बीरा की बाट देखी देखी।
सिंहा जी महाराज की जय। बीती गई रे श्रावण की रात, बीरा की वाट देखी देखी। उसी समय बहन जीजा भाई अपना करुणामय शब्दन में अपना मन का उद्गार व्यक्त करती जाए और सिंघा जी बाबा से कहती जाए कि भैया आज 12 साल हो गया। उस समय सिंघा जी बाबा बहन जीजा भाई के समझा, चिंता मत कर, आज हम खुद तुख लेना कर लिया है, तू तब चलना की तैयारी कर। उस समय सिंघा जी बाबा बहन जीजा भाई के समझाइश दे रहा है, एक सांत्वना दे रहा है। और उसी समय इधर गांव मेटाल का अंदर एक अनचित घटना घटी जाए, आनचिती एक चोट गैब की गौवा का काल में घेरे और सकड़ों को गौवा और दुमक गिरे। शाम का समय जैसे ही जंगल से गौधन चरिन अपना गांव घर की ओर आवे तो उसी समय एक गौ माता आग आग अपना बछड़ा की याद में रंभाती चली आई। और जैसे ही वो गौ माता गांव का समीप आवे और एक कुआ का पास जेने कई तड़ चुकी, वो गौ माता कुआ का अंदर गिरी जाए। अब कुओ नीचे से सकड़ो ऊपर से चौड़ो और बीचों बीच जेने वो गौ माता धसी जाए। अब वो समय सारा गांव का लोग वहां उपस्थित हुआ, सबने उस गौ माता को निकालने की कोशिश करी, लेकिन भैया वहां ऐसा एक भी समर्थ नहीं था कि उस समय उस गौ माता को निकाले पाओ। सबने ने अपनी अपनी कोशिश करी, सबने ने अपना अपना प्रयास करा, लेकिन कोई भी उस गौ माता को बाहर नहीं करी पाया। तो उसी समय भैया उस गांव मिटाल के अंदर एक ऐसी चर्चा थी कि आज राजा कृष्ण सिंह का राज दरबार में कोई गौड़े दाजी आए थे, तो क्यों नहीं है आज अपन उनका पास चला और वो अगर कुछ जानता हो तो ही इस गौ माता का प्राण की रक्षा हो सके, अन्यथा नहीं। तो सारा गांव का लोग मिलीन राजा कृष्ण सिंह का राज दरबार में गया और सिंघा जी बाबा का पास जीने हाथ जुड़ी ने प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि महाराज आज हमारा गांव का अंदर कुआ में एक गौ माता गिरी गई और उस गौ माता का प्राण संकट में छे, आप उस गौ माता का प्राण की रक्षा करो, आप उस गौ माता का प्राण की रक्षा करो। तो भैया उस समय सिंघा जी बाबा भी गौ सेवक था, गौपालक था। जैसे ही गौ माता को नाम सुने झट सिंघा जी बाबा उन गांव का लोग ने कसा तोड़ता हुआ गया उस कुआ का ऊपर और जैसे ही गौ माता को कुआ में देखी, सिंघा जी बाबा गुरु महाराज से हाथ जोड़ी ने प्रार्थना करने लगे कि गुरु महाराज आज हम आपका नाम को विश्वास लेना आयो और यहाँ इस गौ माता का प्राण संकट में, आप इस गौ माता का प्राण की रक्षा करो, आप इस गौ माता का प्राण की रक्षा करो। उस समय सिंघा जी बाबा उस कुआ की परिक्रमा लगाता जाए और गुरु महाराज से प्रार्थना करता जाए कि दई परिक्रमा कुआ पर ठाड़े गुरु जी को नाम उचारे और कर बढ़ाया जिनने ध्यान लगाया। जैसे ही 5 परिक्रमा लगाई कुआ की और गुरु महाराज को ध्यान धरते हुए हाथ उस कुआ की ओर बढ़ाया, उस गौ माता की ओर बढ़ाया, उसी समय गुरु महाराज की ऐसी लीला हुई कि सिंघा जी बाबा का हाथ उस गौ माता तक पहुंचा और एक फूल का समान कुआ से गौ माता को निकाले ने बाहर लिया है कि कर बढ़ाया जिनने ध्यान लगायो वहां जीवती गौवा उबारो रे सुरा मानो वचन हमारो। उस समय सिंघा जी बाबा का नाम की जय जयकार होने लगी कि जय जयकार भयो मिटावल साचो मुरली वालो और कह जन दलु सुनो भाई साधु यो पहलो पतियारो। दलदास बाबा की जब से गुरु महाराज ने गुरु दीक्षा लेना की मन में एक धारणा करी थी तब से गुरु महाराज की पहली लीला थी। जय जयकार भयो मिटावल साचो मुरली वालो और कह जन दलु सुनो भाई साधु यो पहलो पतियारो रे सुरा मानो वचन हमारो। उसी समय इधर सुल्तानेश्वर धगड़कोट का राजा हरसिंह दिरसिंह ये अपना साथ 300 भिलनक रखता था और जिस गांव का ऊपर भी धाड़ो डालो रहते तो दिन का 12 बजे ऐलान का साथ लुटी लेता था। तो आज राजा हरसिंह दिरसिंह ने 3 गांव न पर धाड़ो डाले, भामगढ़, जसवाड़ी और पिपलोदी। सारी भामगढ़ भी लुटी, राजा को धन भी लुटे और राजा लक्ष्मण सिंह का भी बंदी बने ने अपना राजमहल का अंदर एक खंभ का साथ बांधी सारो धन लुटी लेगा। अब यही अनुभूति सिंघा जी बाबा को मेटाल का अंदर हुई। सिंघा जी बाबा झट खड़ा हुआ, राजा कृष्ण सिंह से कहने लगे कि महाराज
अब बहन को पहुंचाना काम तो तुम कर दो। इस समय भामगढ़ का ऊपर कोई मुसीबत छे, राजा कोई परेशानी में छे, मैं तुरंत जानो भामगढ़। सिंगाजी बाबा भामगढ़ आया, राजमहल का अंदर आया, राजा का बंधन खोलिया, उन चोरन का पीछे गया तो 300 डाकू सहित राजा हरसिंह दीरसिंह के नदी भाम से नेत्रहीन करीन वापस भामगढ़ लेन आया। सारो चोरी को माल वापस दिलायो, वही भाम सप्ताह के अंदर उनका स्नान करवाया और उनको ज्योति प्रदान करीन उनको विदा किया। ये सारो कार्य करना का बाद सिंगाजी बाबा को तो एक ही लक्ष्य तो कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी अपन को गुरु महाराज की शरण में पहुंचना। पहलो कारज सब विसराए, फिर हरिचरण में चित लाए। पहला नौकरी को त्याग करो, मन से घर परिवार को त्याग करो और एक निष्ठा बनाई, एक दृढ़ता रखी कि अब अपन को गुरु महाराज की शरण में जाना। पहलो कारज सब विसराए, हरि चरण में चित लाए, तरकस तीर दिया सब नाकी, और अब करो कछु श्री राम की साकी। जो सिंगाजी बाबा का पास अस्त्र शस्त्र था उनका भी भंग करी ना नदी सुक्ता का अंदर विसर्जित कर दिया। सिंगाजी बाबा इस बात से भली भांति परिचित था कि जिन अस्त्र शस्त्र का आभरण अभी तक धारण करें क्या, सिंगाजी बाबा ने कभी किसी का ऊपर कोई शस्त्र को उपयोग नहीं करे कि किसी का ऊपर कोई तीर तलवार चलाया हो, कोई अस्त्र शस्त्र चलाया हो, कभी किसी का ऊपर कोई शस्त्र को उपयोग करना की आवश्यकता नहीं पड़ी। हरि बाबा की वाणी ही प्रमाण दे, यही राजा हरसिंह दीरसिंह सहित 300 डाकू सहित इनके जब नेत्रहीन करे सिंगाजी बाबा ने, तो उस समय राजा दीरसिंह का यह शब्द था, राजा दीरसिंह स्वयं इस बात को स्वीकार करे क्योंकि राजा दीरसिंह शब्द भेदी बाण चलाना वाला था। राजा दीरसिंह ने उस समय ये स्वीकार करो कि मैंने आज तक इस संसार के अंदर बड़ा बड़ा राजा, बड़ा बड़ा महाराजा, बड़ा बड़ा वीर भूपति ने को परास्त कर दिया, लेकिन आज तक परमात्मा ने ये वीर को कहां छिपे न रखे कि जेना आज मुख बिना शस्त्र से परास्त कर दिया। बड़ा बड़ा रे भूपति हण्या यो भूमि गुण विचारो, और ये गुणवंता को कहां छिपाए जिन मुख बिना शस्त्र से मारे। 300 नका ऊपर सिंगाजी बाबा ने कोई अस्त्र शस्त्र नहीं चलाया, कोई तीर तलवार नहीं चलाया, बिना शस्त्र से काम करे। तो इस बात की पुष्टि करें कि आज तक सिंगाजी बाबा ने कभी किसी का ऊपर कोई शस्त्र नहीं चलाया, लेकिन हाँ धारण करने लगता था। ये भी बाबा की ही वाणी प्रमाण दे, जब गुरु शरण में पहली बार गया तो उन बिल्कुल 5 हथियार शरीर का ऊपर धारण करे, कर कटारी तरकस कमाना सेल सुरी मदरी का गाना, ऐसी भात दर्शन को आवे गुरु मंडंग के दर्शन पावे। तो आज सिंगाजी बाबा का मन में ये भाव कि आज तक भले ही अपन ने कभी किसी का ऊपर कोई शस्त्र को उपयोग नहीं करे लेकिन इनके धारण कर रखे, और इनका वैसे ही राजा का राज दरबार में रखी देंगे तो अपना बाद कोई और इनको उपयोग करेगा, और शस्त्र को जब जब भी उपयोग हुए किसी न किसी जीव की हिंसा हुई, धोखा दोष का भागीदार अपन भी बना के। अरे आज जिन शस्त्र को धारण करने सिंगाजी बाबा रखता था आज उन्हीं शस्त्र का द्वारा किसी जीव की हिंसा हुई तो कहीं ना कहीं वो को दोष अपना होगा, तो क्यों नहीं हो इनके तोड़ी मरोड़ी नदी सुक्ता का अंदर विसर्जित कर देवा ताकि ना रहे बांस ना बजे बांसो। और उस समय सिंगाजी बाबा ने वो अस्त्र शस्त्र सब भंग करी ने नदी सुक्ता का अंदर विसर्जित कर दिया। अस्त्र शस्त्र सब भंग कर डाले, वो तवा नदी में डुबाए, सिंगाजी भामगढ़ आए। तो बाबा ने सारा अस्त्र शस्त्र भंग कर, पहलो कारज सब विसराए, हरि चरण में चित लाए, तरकस तीर दिया सब नाकी, अब करू कछु श्री राम की साखी। कि शब्द सुना ऐसी धरी, छोड़ दिया सकल विकार और मनसा वाचा कर्मणा डाल दिया हत्ता। आज बाबा ने उन अस्त्र शस्त्र को मन से भी वचन से भी और कर्म से भी त्याग कर कि आज का बाद न तो इनको कभी मन का अंदर चिंतन करूंगा, न वाणी का रूप में इनको कभी नाम लूंगा और न कभी कर्म का रूप में इनको उपयोग करूंगा। अब बाहर से तो बाबा ने इनको त्याग करो ही,
लेकिन भैया अंदर से आप हम सबका पास तीन शस्त्र डटेल छे, मन वचन और कर्म। मन से अगर हम कभी किसी का बारे में गलत सोचा, बुरा विचार रखा, बुरा भाव रखा, किसी का मन का किसी का बारे में गलत सोच रखा, तो कहीं ना कहीं अध्यात्म एक एक मानसिक हिंसा को रोक दे। हमारी वाणी हमारा शब्द का द्वारा कभी किसी को कोई ठेस पहुंचा, किसी को कोई तकलीफ पहुंचा, हम ऐसा कोई कटु वचन कह दिया, तो अध्यात्म एक वाचिक हिंसा कहे, और शरीर से तो नाना प्रकार की हिंसा होती रहे, तो कायिक मानसिक वाचिक और मानसिक, ये तीन शस्त्र तो हम सबका पास डटे हैं। लेकिन बाबा ने आज इनको भी त्याग करें कि आज का बाद मन में कभी किसी का प्रति ऐसा भाव नहीं, ऐसा विचार नहीं, वाणी का रूप में कभी ऐसा शब्द को उपयोग नहीं करूंगा कि कभी किसी को कोई ठेस पहुंचे, कभी किसी को कोई बुरो लगे, कभी किसी का ऐसा कोई कटु वचन को उपयोग नहीं, और शरीर से भी कभी ऐसा कोई अपराध नहीं, ऐसी कोई हिंसा नहीं, ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा। तो बाबा ने अंदर से भी इनको त्याग करे, शब्द सुन ऐसी धरी छोड़ दिया सकल विकार, और मनसा वाचा कर्मणा डाल दिया हथियार, क्योंकि लागा बाण निर्बाण का। आज सिंगाजी बाबा को वो बाण लग गया, लागा बाण निर्बाण का, क्योंकि बाण भी यहां दो प्रकार का छे, एक शस्त्र रूपी और एक शब्द रूपी। अगर कोई हमारा ऊपर शस्त्र रूपी बाण चलाओगा तो वो हमारा तन का ऊपर चोट करेगा, और जब तन का ऊपर कोई चोट होगा तो का ऊपर अपन दवा मलम लगे नो को उपचार करे नो को सुधार ही सका। लेकिन भैया कभी किसी ने हमारा ऊपर शस्त्र रूप शब्द रूपी बाण छोड़ दे तो शब्द रूपी बाण हमारा तन का ऊपर नहीं, वो हमारा मन का ऊपर चोट करे, अंतःकरण का ऊपर चोट करे, और जब मन का ऊपर जो चोट हो घाव सहज नहीं भरते। अब तो यहां हमारा संत ने कहना पड़े कि शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द के हाथ ना पाओ, और एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव, एक शब्द औषधि को काम करे तो एक शब्द घाव कर दे। अब तो कहे ना कि भाई धरती फाटे मेघ मिले, धरती फटी जाए, अभी खेत में गहू चढ़ा हुए पानी देना थोड़ा लेट कर दे तो खेत में दराड़ा पड़ने लगी जाए, खेत जमीन फटने लगी जाए, तो अपन कहने भाई खेत फटने लगी, जमीन फटने लगी, पानी सींचो, तो धरती फटे मेघ मिले। अगर धरती फटी जाए, जमीन फटने लगी जाए, और बारिश हुई जाए या पानी सींची देवा तो वह मिल ही जाए। कपड़ा फाटे डोर, अगर कपड़ो फटी जाए तो हम सोई धागा से सी देवा। तन फाटे को औषधि, शरीर का ऊपर कोई धार धार हथियार लगी जाए, शरीर कोई कटी जाए तो कहीं ना कहीं वो को उपचार करी ना दवा मलम से वो घाव भी भर देवा। लेकिन जरा विचार करो कि एक बार कभी मन फटी जाए तो वो को फिर कोई इलाज नहीं, आप कितनों ही इलाज करो, एक बार कभी मन फटी जाए अब तो रहम का कहना पड़े, रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है, और टूटे तो फिर ना मिले। एक बार कभी धागो टूटी जाए तो आप जोड़ना को प्रयास करो, जोड़ी भी दोगे लेकिन वह गठान नजर अलग आ जाए। किसी को मन फटी गो, आप वरिष्ठ व्यक्ति जी ना उनको समाधान भी कर दोगे, उनको मिले भी दोगे, लेकिन फिर भी वह गाठ अलग नजर दिखाएगा, बड़ो आगे बैठेगा छोटो पीछे बैठेगा, पहचान ही जाएगा यार इनकी इनके गाठ पड़े। धरती फाटे मेघ मिले, कपड़ा फाटे डोर, और तन फाटे को औषधि, लेकिन मन फाटे को नहीं ठोर। एक बार जब मन फटी जाए फिर उसको कोई इलाज नहीं है। इसलिए हमारा संत अपनी वाणी का अंदर प्रमाण दिन गया, सिंगाजी बाबा को भी कहना पड़े कि हम ऐसा शब्द को उपयोग करा, ऐसी वाणी को उपयोग करा, मन तू अमोल वाणी बोल, मन तू अमोल वाणी बोल, फिर थारो तीन लोग मोल, मन तू अमोल वाणी बोल, ऐसा शब्द बोल, ऐसी वाणी बोल,
मीठे बोल बोलिए, अल्फाजों में जान होती है, इन्हीं से आरती, इन्हीं से अरदास, इन्हीं से आजान होती है। और ये तो समंदर के वो मोती है जिससे इंसानों की पहचान होती है, जिससे इंसानों की पहचान होती है। हमारी वाणी से, हमारा शब्द से ही तो इनकी हमारी पहचान है। ऐसा शब्द, ऐसी वाणी साहब, हमारा संत तो अपनी वाणी में यहां तक प्रमाण दे कि घी बादाम का अंदर जितनी ताकत नहीं है नी, वो काशी कहीं गुना ज्यादा ताकत शब्द का अंदर छे। शब्द इतना पावरफुल छे, शब्द इतना ताकतवर छे। आप विचार करो कि किसी कोर्ट का अंदर किसी मुजरिम का लिए किसी जज का मुख से केवल एक शब्द निकल जाए कि आपकी सारी दलीलें सुनने के बाद ये अदालत ये फैसला लेती है कि आपको फांसी की सजा दी जाती है। जज का मुख से केवल एक फांसी शब्द निकले, वो व्यक्ति कितनों भी पावरफुल क्यों नहीं हो, कितनों भी पद प्रतिष्ठा पायल क्यों नहीं हो, कितनों भी प्रभावशील क्यों नहीं हो, लेकिन वो भी जहां को तहां गड़गाप हुए न बठी जाएगा। अब जज ने उसको कोई लठनी मार दिया, जज का मुख से केवल एक शब्द निकले कि आपको फांसी की सजा दी जाती है, वो व्यक्ति बिल्कुल जहां को तहां पूरा टूटी जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, बिल्कुल माथा घात लगे बैठ जाएगा। आप विचार करो कि उस शब्द का अंदर कितनी ताकत है, शब्द कितना पावरफुल है। और किसी कोर्ट का अंदर किसी मुजरिम का प्रति जज का मुख से केवल एक शब्द निकल जाए कि आपकी सारी दलीलें सुनने के बाद ये अदालत ये फैसला लेती है कि आपको बाइज्जत बरी किया जाता है, तो वो कितनों भी कमजोर से कमजोर क्यों नहीं, वो भी घोड़ा सरी कूदने लगी जाए। तो विचार करो कि शब्द का अंदर कितनी ताकत है, शब्द कितना पावरफुल है। और साहब इस देश का अंदर तो प्रमाण छे, इतिहास प्रमाण दे, इतिहास साक्षी छे इस बात को कि इस भारत का अंदर महाभारत जैसा महायुद्ध को कोई जन्म दाता तो केवल एक शब्द ही थो। द्रौपदी का मुख से केवल एक शब्द निकलो, दुर्योधन का लिए अंधस पुत्र अंधा, और उसी शब्द ने इस भारत के अंदर महाभारत जैसा महायुद्ध को जन्म करार दिया, महाभारत जैसा महाकाव्य की रचना करार दी। एक शब्द तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली का मुख से निकलो, यार इस हाड़ मास का बदन से आपको इतना प्रेम, इतनी आसक्ति, एक खासी आती प्रीत अगर भगवान का नाम से जाती तो आप भाव सागर से पार हो जाता। उसी एक शब्द ने तुलसिया को तुलसीदास बने दियो और रामचरित मानस जैसा महाकाव्य की रचना हुई। तो शब्द का अंदर कितनी ताकत, शब्द कितना पावरफुल। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। और आज सिंघाजी बाबा को केवल वही शब्द की चोट लगी, समझी लियो रे मना भाई अंतन हो कोई आप, उसी शब्द ने बैराग्य खड़ो कर दिया, उसी शब्द ने पूरा जीवन की दशा और दिशा बदली दी। और उस समय सिंघाजी बाबा को स्वीकार करना पड़े कि मार्या बाण कसी महारा सदगुरु, मार्या बाण कसी महारा अंतस गयो रे धसी महारा सदगुरु बाण कसी। और गुरु महाराज जब से आपने ये शब्द रूपी बाण मारिया तब से न तो मक रात को नींद आवते न दिन को भोजन अच्छा लगता, भोजन नी भावे मक निंद्रा नी आवे, ये तन पर विपद कसी महारा सदगुरु मक मार्या बाण कसी। गुरु महाराज आपने छुरी नहीं मारी, कटारी नहीं मारी, कोई तीर तलवार नहीं मारे, छुरी नहीं मारी, कटारी नहीं मारी, यहां तो केवल शब्द की भाल फंसी महारा सदगुरु मुख मारिया बाण कसी। अरे कोई तीर तलवार मारता, कोई छुरी कटारी मारता तो हम हमारा तन का ऊपर चोट होती और तन का ऊपर चोट होती, तो हम दवा मलम लगे न वो को उपचार करे को सुधार ली तो, पर तन पर घाव नजर नहीं आवे तो कहां लगाऊं दवा घसी महारा सदगुरु मुख मारिया बाण कसी। आज सिंघाजी बाबा के वो शब्द रूपी बाण लग गया, लागा बाण निर्वाण का निकस गयो द्वादश पार, और फिर मन मुआसी को मारिया तुम्हा छिन्न न लागे बाण। और उसी समय सिंघाजी बाबा ने एक निर्णय लिया कि अब जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी अपन को गुरु महाराज की शरण में पहुंचना है। गुरु करने की मन में धरी और सत समय लियो बिचारी, सूरत धरी फिर गरते आए गुरु मनरंग के दर्शन पाए, राम नगर में बसे मनरंगा राम रमे तीनों के संगा, सिंघाजी तह चलकर आए कर जोड़ कर शीश नवाए, अब दया करो मेरे सदगुरु साईं देवो उपदेश अपना कर ले, मैं अनाथ मोहे प्रेम सुख दीजो और तुम बिना जानो नहीं दीजो। उसी समय सिंघाजी बाबा रामनगर चारखेड़ा का ऊपर गया
और वनरंगिर बाबा का चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। पांच परिक्रमा लगाई, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए गुरु महाराज से हाथ जोड़े ने प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि गुरु महाराज अब इस दास का ऊपर दया करो, अब दया करो, मेरे सदगुरु साई देवो उपदेश अपनो कर ले, मैं अनाथ मोहे प्रेम सुख दीजो और तुम बिना जानू नहीं तुझो। आज सिंगाजी बाबा जब गुरु महाराज की शरण में गया तो कुछ मांगना का ली गया, कुछ पाना का ली गया, और भैया यही स्थिति आप हम सबके बीच, हम भी कोई भगवान का मंदिर में जावा, कोई देवधामी का मठ में जावा, कोई संत सदगुरु की शरण में जावा, तो हम भी सब मांगी लाल से, हम भी कुछ न कुछ मांगना कर ली जावा, क्योंकि बिना मांगे कोई नहीं जाता। सिंगाजी बाबा एक जगह अपनी वाणी के अंदर लिखा है कि देवी देवता पूजन सब स्वार्थ का, भगवान का मंदिर में जाइन हम कभी दो अगरबत्ती भी लगावा तो उस दो अगरबत्ती का पीछे भी हमारी कुछ न कुछ डिमांड छे, कुछ न कुछ मांग छे, कुछ न कुछ स्वार्थ छे, बिना स्वार्थ के हम एक अगरबत्ती भी नहीं लगा। नहीं कहीं तो मांग लेंगा कि बाबा अच्छो राग जाए, बाबा कृपा कर जो, बाबा दया कर जो, पर मांगांगा जरूर, बिना मांगे एक अगरबत्ती भी संभव नहीं है। आप हम सब मांगना का लिए ही जावा, और आज सिंगाजी बाबा गुरु महाराज का सानिध्य में आया तो भी मांगना का लिए ही आया। यहां सिंगाजी बाबा गुरु महाराज से मांगना का लिए आया तो नया गुरु महाराज से सुख मांगे, मैं अनाथ मोहे प्रेम सुख दीजो। तो भैया हम का दुख मांगा भगवान से, हम भी सब सुख ही मांगा कि किसी ने आज तक भगवान से दुख मांगे, वो तो एक भक्त कुंती हुई जिन्हें भगवान से दुख मांगे विपत्ति मांगे, लेकिन देखा बाद आज तक ऐसा कहीं सुनना कहीं नहीं मिले कि किसी ने भगवान से दुख मांगे हो। आप हम सब भी सुख की अपेक्षा लेने ही जाओ, आप हम सब भी सुख की ही कामना लेने जाओ, आप हम सब भी सुख ही मांगा। लेकिन भैया सुख भी दो प्रकार का, एक बहिर्मुखी सुख एक अंतर्मुखी सुख, एक बाहर को सुख एक अंदर को सुख, एक लौकिक सुख एक आध्यात्मिक सुख। तो हम जो सांसारिक लोग छे, हम कोई संत सदगुरु का सानिध्य में जावा, भगवान का मंदिर में जावा, कोई देवधामी का मठ में जावा, तो हम सब बाहरी सुख मांगांगा, लौकिक सुख मांगांगा, कोई घर को सुख मांगा, कोई गाड़ी को सुख मांगे, कोई परिवार को सुख मांगे, कोई पुत्र को सुख मांगे, कोई धन वैभव को सुख मांगे, कोई पद प्रतिष्ठा को सुख मांगे, ये जितना भी लौकिक सुख है हम सब यही सुख मांगे, हमारी सीमा केवल यही तक के छे। लेकिन सिंगाजी बाबा ने ये बाहरी सुख नहीं मांगे, क्योंकि सिंगाजी बाबा इस बात से भली बात ही परिचित था कि बाहरी सुख तो हम कितनों भी मांगे लो, परमात्मा संत सदगुरु तो देना वाला दाता छे, वो तो दई भी देगा, इन्हीं जो मांगा सो दिया हरि ने, लेकिन तो भी नहीं मनसा भरी। ये बाहरी सुख हमको कितनों भी मिली जाए, कितनों भी धन मिली जाए, कितनों भी वैभव मिली जाए, कितनी भी सुख संपत्ति मिली जाए, कितना भी पद प्रतिष्ठा मिली जाए, लेकिन अंत में कहीं ना कहीं ये दुख ही नहीं जाएगा। और आज देखे जाए तो आप हम सब कहीं ना कहीं दुखी थे, ये तन धर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात कहते हैं सबका किया विवेका हो, घाटे बाड़े सब जग दुखिया, क्या ग्रही क्या बैरागी हो, और सुखदेव अचरज दुख के कारण ये गर्भ से माया त्यागी हो, ये तन धर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो, जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना और आशा तृष्णा सबको व्यापे, यहाँ कोई महल नहीं सुना, कोई भी छाती ठोकी नहीं ये नहीं कह सकते कि हम पूर्ण रूपेण सुखी छे, सब कहीं न कहीं दुखी, किसी न किसी दुख से, किसी न किसी व्याधि से, किसी न किसी समस्या से सब ग्रसित थे, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, फिरे उदास और थोड़े थोड़े सब दुखी। आप एक छोटा व्यक्ति से लगे ना बड़ा तक पूछी लो, गरीब से लगे ना अमीर तक पूछी लो, लेकिन कोई भी छाती पर हाथ रखे नहीं ये नहीं कह सकते कि हाँ पूर्ण रूपेण सुखी छे।
किसी न किसी दुख से। आप एक छोटा व्यक्ति से पूछो, गरीब से गरीब से पूछो कि भैया आप सुखी हो, तो वो ये भैया हम काहे का सुखी, हम तो गरीब लोग, टक्का लावा टक्का खावा, हम काहे का सुखी, सुखी तो ये बड़ा बड़ा लोग। अब वो बड़ा बड़ा नस पूछने जाए कि भैया तुम सुखी हो, तो वो भी ये भैया काहे का सुखी, रात में तीन चार गोड़े लड़ पड़े जब नींद आवे, कोई सुखी नहीं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे राजा को सुख भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे इंद्र को सुख भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे विष्णु को सुख भारी, और कहे तुलसीदास बिचारी, हरि भजन बिन सब जीव दुखारी, हरि भजन बिन सब जीव दुखारी। बिना भजन तो हम सब कहीं ना कहीं दुखी। थोड़ा सुख का अनुभव अगर कोई कर रहे तो वही कर रहे जो भजन का साथ जुड़ेल छे, जो सत्य का साथ जुड़ेल छे, जो धर्म का साथ जुड़ेल छे, जो पुरुषार्थ का साथ जुड़ेल छे। बाकी तो हम सब कहीं ना कहीं दुखी छे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, फिरे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, लेकिन सुखी राम को दास, वही सुखी छे। बाकी तो हम सब कहीं ना कहीं दुखी। तो आज सिंघा जी बाबा इस बात से भली भांति परिचित था, और वो बाहरी सुख की कामना लेने नहीं गया, बाहरी सुख की चाह लेने नहीं गया, क्योंकि बाहरी सुख तो कर्म और भाग्य से मिली जाएगा। जो आपका कर्म काम पर डिपेंड थे, जो आपका भाग्य में थे, ये बाहरी सुख जितना भी थे, ये केवल कर्म का ऊपर डिपेंड थे, भाग्य का ऊपर डिपेंड थे, कर्म और भाग्य से मिली जाएगा। लेकिन जो अंदर को सुख चाहिए, और खाली तो गुरु कृपा की आवश्यकता है, और खाली तो भजन की आवश्यकता है, और खाली तो उस सतमार्ग पर चलना की आवश्यकता है। तो आज सिंघा जी बाबा गुरु महाराज से बाहर को सुख नहीं मांगी रहे, अंदर को सुख मांगे, वो प्रेम सुख मांगे। अब दया करो मेरे सदगुरु साईं, देवो उपदेश अपनों कर ली, मैं अनाथ मोहे प्रेम सुख दीजो, और तुम बिना जानू नहीं दूजो। तो आज सिंघा जी बाबा गुरु महाराज से काई मांगे रहे, आज सिंघा जी बाबा महाराज से भक्ति मांगे कि भक्ति दान मोहे दीजिए, देवन के हो देवा, भक्ति दान मोहे दीजिए, देवन के हो देवा, जन्म पाऊं बिसरू नहीं, करूं संत की सेवा, भक्ति दान मोहे दीजिए, देवन को देवा। और भक्ति वो कल्प वृक्षा है, भक्ति वो काम धेनुआ है कि जहां जो कल्पना करो, जो कामना करो, वो तुरंत प्रदान कर दे। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, सारा सर्व गुण की अगर कोई खान छे तो भक्ति। और आज सिंघा जी बाबा गुरु महाराज से भक्ति मांगी रहा कि भक्ति दान मोहे दीजिए, देवन के हो देवा, भक्ति दान मोहे दीजिए, जन्म पाऊं बिसरू नहीं, करूं संत की सेवा, भक्ति दान मोहे दीजिए। नहीं मांगू धन संपदा, नहीं सुंदर वर नारी, और सपना में भी मांगू नहीं, मोहे आण तुम्हारी, केवल भक्ति दान मोहे दीजिए, देवन के हो देवा। आज सिंघा जी बाबा गुरु महाराज से हाथ जोड़े ना यही प्रार्थना कर रहा कि गुरु महाराज मत भक्ति देव, गुरु महाराज मत भक्ति देव। आज सिंघा जी बाबा गुरु महाराज से हुकर हाथ जोड़ी अरदास, हो होकर हाथ जोड़ी अरदास, शरण माली जो 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 हाथ जोड़े अरदास।
सदगुरु महाराज की जय। गुरु सिंघा जी महाराज की जय।